नागालैंड और मिजोरम में लोगों ने छोटी जाति आदिवासी समाज और जो वहां के गरीब लोग थे उनसे इतना ना अत्याचार किया और वहीं पहुंचे ईसाई मिशनरी, उन्होंने गुड मॉर्निंग कह के बोला। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि हम ईसाई लोगों को कोई सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन खान सर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हमेशा से हम मसीह लोगों को सपोर्ट करते आ रहे हैं और हम मसीह लोगों का हमेशा कुछ ना कुछ तारीफ करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को छोटा सा ऐसा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा खान सर का, कि उन्होंने उस वीडियो में सब कुछ क्लियरली बता दिए हैं दोस्तों कि आज के समय में हिंदू लोग क्यों अपना धर्म छोड़ के ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। आज सब कुछ डिटेल्स क्लियरली बता दिए हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग सबसे पहले छोटा सा खान सर का वीडियो क्लिप को देखते हैं। नागालैंड और मिजोरम में लोगों ने छोटी जाति आदिवासी समाज और जो वहाँ के गरीब लोग थे उनसे इतना ना अत्याचार किया और वहीं पहुंचे ईसाई मिशनरी, उन्होंने गुड मॉर्निंग कह के बोला। तो कह के ये कौन प्राणी है सब भाई, हमको लोग दुत्कारता है और छूत कहता है, ये आके गुड मॉर्निंग बोल रहा है। घरे ले गया सब खाना खिलाने के लिए, बैठा के डाइनिंग टेबल पे साथ में चम्मच से खाना खाया, एक ही जगह से सब किया। कहा कि भाई ये कहाँ से आया सब भाई, हम लोग को लोग अजीब अजीब शब्द से बोलता था, छोटी जात तो ये छुआ जा तो हमसे नहाता था यहाँ पे, नहीं समझ नहाता था। अच्छा ये बताओ, अगर कोई अछूत किसी बड़े जाति को छू के उसे अपवित्र कर सकता है, तो बड़े जाति वाला उसे छू के शुद्ध क्यों नहीं कर सकता? इसका मतलब ज्यादा पावर किसके पास है, ज्यादा वोल्टेज है उसके पास, उनका बैटरी है भसका दिया नहीं भसका दिया होता है यहाँ पे शिक्षा दो चीजों से होता है, एक आपको शिक्षा कैसी मिली है, दूसरा माहौल कैसे मिला लेकिन माहौल का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, पक्का खाता लोग निकलवा लिया था, लेकिन हम थे ना नहीं यहाँ पे, और हमको भी नहीं पता, बचपन से देखे थे जिन लोगों के साथ खेले कूदे बड़े हुए वो लोग नहीं खाए तो हम भी छोड़ दिए यहाँ पे, बट वो लोग अच्छे थे। लेकिन अगर वो लोग हमारे साथ खराब व्यवहार करते ना तो हम भी खराब व्यवहार करते। तो क्रिश्चियन ने इसी चीज को अपनाया, आप अगर रियल में चाहते हैं ना कि कोई आपके धर्म की ओर आकर्षित हो तो उसका एक ही रास्ता होता है कि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करिए, क्योंकि खराब करिएगा ना तो अपने धर्म के प्रति और कट्टर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब बताइए कोई इजराइल से आएगा और अपने धर्म को अच्छा बोलेगा आपके धर्म को खराब बोलेगा तो आप एको दिन पूजा पाठ नहीं करते होंगे, लेकिन कहते हैं बताइए तो अबे तो रहा हूं यहाँ पे, नहीं समझ में सावन में नंदी छोड़ देंगे पीछे तो माहौल का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो कैसी परवरिश हुई है, शिक्षा क्या मिला है, और उससे ज्यादा असर करता है माहौल कैसा। घर अंदर से चाहे जैसा भी हो, जिस एरिया में होना चाहिए वह एरिया अच्छा होना चाहिए, वहां के लोग अच्छे होने चाहिए, अंदर खराब हो रहेगा तो चल चलेगा। लेकिन अमूमन हम लोग क्या करते हैं, अंदर से सजा लेते हैं, बाहर गाली गुता कर रहा है कोनो। अब नागालैंड मिजोरम की अंग्रेजी, क्योंकि वहां क्रिश्चियन लोग हैं, लोग इज्जत सत्कार दिए लोग, उन लोगों ने क्या बन गए क्रिश्चियन, 89% नागालैंड में क्रिश्चियन हो गए, मिजोरम में 93% हो गए, हिंदू माइनॉरिटी में चल गए माइनॉरिटी में, 10% से संख्या घट जाएगी, किसमें चल जाएंगे माइनॉरिटी में। अब लो ना उन्होंने तलवार चलाया, ना गोली चलाया, ना कुछ दिया, ना कुछ इज्जत सत्कार दे दिया, अब इन लोग को हवा लगा है कि अरे बाप रे बाप। तो लोग क्या कहे भाई, भेदभाव किसने किया था, हर इंसान को इज्जत से जीने का अधिकार चाहिए, आप उसको आप लोग बेइज्जत कर देंगे। अक्सर न्यूज आता होगा कि घोड़ा दूल्हा बनाया घोड़ा पे से उतार देते हैं, तो दुनिया में अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला है, छीन सकते हैं छीन लीजिए यहाँ पर, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा यहाँ पर। बाकी ये सोच गलत है यहाँ पर, कोरोना ने औकात दिखा दी थी सबको, सच बताते औकात समझ में आई थी, आज कोनो जात का हो तो कुछ चलेगा यहाँ पे, सात पीढ़ी के दुश्मनियों है तो बचा लो भैया हमको यहाँ पर। तो वहां पे उन लोगों ने क्या हो गए, नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन हो गए, और उनकी भाषा क्या है अंग्रेजी। तो आप सभी लोग देख पाए दोस्तों खान सर का छोटा सा वीडियो क्लिप को, उन्होंने क्लियरली बता दिए हैं दोस्तों कि आज के समय में हिंदू लोग क्यों अपना धर्म छोड़ के ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। खान सर को जहां तक पता है उन्होंने बता दिए दोस्तों, लेकिन
ऐसे बहुत सारे रीजन भी है, कारण भी है कि लोग आज उनका धर्म छोड़ के ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। और आज बहुत सारे लोगों को पता भी चल गया है दोस्तों कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि जैसे कि खान सर ने बताया कि ईसाई धर्म में जो लोग भी यीशु मसीह को फॉलो करते हैं उनका धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी का भेदभाव करता नहीं है। छुआ अछुआ का जो भेदभाव है वो बिल्कुल भी ईसाई धर्म में नहीं है दोस्तों। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर ने हम मानव जाति को एक जैसा बनाया और उन्होंने सभी को एक समान अधिकार दिया कि आप सभी कोई एक साथ में मिलजुल कर आगे बढ़ो। तो ऐसा नहीं कि भाई मैं इस जाति का हूँ या फिर मैं इस जाति का हूँ, तो मैं छोटा जाति का हूँ तो मैं जो बड़ा जाति के लोग हैं उनको मैं टच नहीं कर सकता, नहीं तो वो अशुद्ध हो जाएगा। जो वो शुद्ध है अशुद्ध हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। परमेश्वर ने कहीं पर भी ऐसा वचन में नहीं कहा है कि आप यदि उसको छुओगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा, या फिर आप बड़े जाति के हैं मैं छोटा जाति का हूँ, तो हम दोनों के अंदर में बहुत ज़्यादा फर्क है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर के नज़र में सभी कोई एक समान है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है दोस्तों। और इसीलिए आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ ईसाई धर्म एक ऐसा धर्म है जो लोग भी यीशु मसीह को फॉलो करते हैं सभी कोई एक समान एक जैसा मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल कर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, हम सभी कोई एक समान है और एक जैसा मिलजुल के रहने के लिए कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।